दोस्तों मैं प्रशांत मौर्य, स्वागत है आपका इस वीक की टॉप टेक न्यूज में, जिसमें मैं आज अपनी टेक न्यूज एक स्मार्टफोन से नहीं बल्कि एक मोटर बाइक से शुरू करूंगा, जो कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है। और यह इलेक्ट्रिक बाइक अब भारत में लॉन्च हो चुकी है और इस बाइक की मदद से आप एक सिंगल चार्ज में 220 किलोमीटर तक की दूरी का सफर बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और इस बाइक को कोमाकी ने पेश किया, जिसका नाम कोमाकी रेंजर है, जो कि 1.68 लाख की कीमत में भारत में लॉन्च हुई है। और अगला अपडेट 1+10 अल्ट्रा स्मार्टफोन को लेकर है, जिस पर इन दोनों टेस्टिंग चल रही है और कंपनी इस साल सेकंड हाफ में स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। फिलहाल अभी यह स्मार्टफोन EBT यानी इंजीनियरिंग वेरिफिकेशन टेस्टिंग फेज में है। इस बात की जानकारी ऑनलाइन लीक्स में सामने आई है, लेकिन कंपनी ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया। और अगली बड़ी न्यूज व्हाट्सएप को लेकर है, जिसमें व्हाट्सएप जल्द ही अपना एक नया व्हाट्सएप को लॉन्च कर सकता है, और यह व्हाट्सएप डेस्कटॉप, व्हाट्सएप और लैपटॉप के लिए होगा। और अगला अपडेट मोटोरोला के नए स्मार्टफोन को लेकर है, जिसमें मोटोरोला इस साल जुलाई में 200 मेगापिक्सल वाले मेन कैमरे वाले स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है। उम्मीद है आपको यह अपडेट पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के अपडेट को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।